कांग्रेस सरकार की तानाशाही अभी भी जारी है। कल 6 घंटे गुजरात पुलिस द्वारा 200 से ज़्यादा युवा बेरोजगारों को हिरासत में रखा गया। रात को खुले में सड़क पर सोए एक बार फिर पुलिस ने हमें खदेड़ दिया है। हम अलग अलग जगह अब डटे हुए हैं और आज हमने साबरमती आश्रम में जाकर बापू की तस्वीर के सामने लेटकर गुहार की है, ए बापू, जो कांग्रेस ही अपने आप को आपके पद चिन्हों पर बताने वाले, गांधीवादी पार्टी जो कांग्रेस बताती है अपने आप को, उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम 150 किलोमीटर चलकर आए हैं, खुले में सोए हैं, बरसात में भीगे हैं, मंदिरों में सोए हैं, सड़कों पर सोए हैं, धूप में रहे, हालात गंभीर है। पुलिस हमें बार बार परेशान कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ठस से मस नहीं हो रही और संवेदनहीनता दिखा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हम आपके ही बच्चे हैं, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप बुलाएं, वार्ता करें, इनकी समस्याओं का हल करिए। और आप हल नहीं करोगे तो हम राजस्थान नहीं आएंगे, हम यहीं संघर्ष करेंगे, चाहे पुलिस हमें कितना ही मारे, कितना ही खदेड़े, हम राजस्थान नहीं आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा भी रोकेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई आत्मसम्मान और भविष्य की हो चुकी है। क्योंकि बार बार हमें अपमानित किया जा रहा, बार बार हमें खदेड़ा जा रहा है, बार बार हमें भिखारी एजेंट, पता नहीं क्या क्या कह के कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। रात को भी कांग्रेस कार्यकर्ता आके हमें गाली गलौज कर रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी, जब तक युवा बेरोजगारी की मांगें पूरी नहीं हो जाएगी।